शारदा सुपर बाजार, मुगेली का सबसे सुपर मार्केट, जहां हर प्रकार का सामान मिलेगा सबसे कम कीमतों पर। तो देर किस बात की, जल्द ही संपर्क करें। बिलासपुर रोड सुखनंदन हॉस्पिटल के सामने, दाऊपारा चौक, मुगेली। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं गुजरात से। महिलाओं व लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए नियम कानून तो कई बना दिए गए हैं, परंतु आज भी शिक्षा व जानकारी के अभाव में महिलाएं दर-दर की ठोकरें खाते नजर आती हैं। ऐसा ही एक मामला कोतवाली थाने में देखने को मिला, जहां एक महिला को बहला फुसलाकर शादी कर पुलिस वाले ने मानवता को शर्मसार करते घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला दर-दर की ठोकरें खाते नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार व गुनाहों को रोकने के लिए सैकड़ों कानून बनाए गए हैं। इस दौरान महिला थाना, सखी सेंटर, रक्षा टीम, सखी वन जैसे कई थानों का स्थापना भी किया गया है, जहां पर महिलाओं की समस्या महिलाओं के द्वारा सुनकर निवारण करने का प्रयास किया जाता है। परंतु फिर भी देश सहित राज्य में और राज्य सहित जिले में पीड़ित महिलाएं गाहे बगाहे घरेलू हिंसा व दुर्व्यवहारों का शिकार होते नजर आती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मुंगेली जिला के कोतवाली थाना में। पीड़ित महिला के अनुसार पति पुलिस वाला है, जिसने महिला का 2 वर्षों तक शोषण कर छोड़ दिया है। होकर मैं चली गई थी, सरगांव गई थी पहले शादी होकर। वहाँ से जो पंकज निर्णयक है, हम दोनों एक ही गांव के हैं, लेकिन वो मैं वहाँ शादी होकर चली गई थी। वहाँ जाने के बाद मेरे 2 जने बच्चे हुए, उसके बाद ही आपके पति और बच्चे को मार दूँ के बोल के मुझे ले आए। 8-9 महीने तक बच्चे पति पत्नी का संबंध बना के रखे मेरे से, और उसके बाद किराए समाज में शादी किए। उसके बाद बोलते हैं कि मैं नहीं रखूंगा, आप अपने पहले पति के पास जाओ बोल के मुझे तंग करके घर से निकाल दिए हैं। ना मैं आपको जानती, ना आपके बच्चे को नहीं रखूंगी बोल के। पीड़िता पहले से शादीशुदा थी और पहले पति से उसके 2 बच्चे भी थे। उसके बाद भी कोतवाली थाना में पदस्थ आरक्षक के द्वारा महिला से जबरन कर करही में 1 साल तक बिना शादी के रखा था। अवैध संबंधों की बात फैलते देख आरक्षक ने महिला से आर्य समाज में शादी भी की और उसके बाद लगातार महिला को प्रताड़ित करता रहा। उसके बाद जरहा गांव में किराए में घर लिए, वहाँ पर भी सब लोगों को बोल दिए थे, तो वो लोग मतलब घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे मुझे। वहाँ पर भी 20-22 दिन वहाँ रखे थे। उसके बाद मुझे खुजा में ला के रखे वहाँ पर, मतलब उसी ने 1-1.5 महीने तक रखे, इधर उधर करके मतलब 5-6 महीने तक रखे मुझे बिना तलाक हुए मेरे पति से। और मेरे पति लोग ढूंढ रहे थे मुझे, लेकिन पता ही नहीं चला। ये तो मुझे ऐसे जगह में रखे थे, बंद करके रखे थे कि कुछ पता ही नहीं चला। लगातार मेरे साथ संबंध बनाए रखा। उसके बाद फिर मुझे ठीक है शादी करूंगी बोल के जब आर्य समाज में शादी किया, उसके बाद मेरे माँ बाप को बुलवाया कि माँ बाप को बोले कि मैं शादी कर रहा हूँ इस बोल के। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे हैं वहाँ तक कि वो लोग लिखे पढ़े नहीं हैं और अपना ही मतलब सब चीज़ किए। ना वो लिखे पढ़े नहीं हैं, फिर भी उन लोगों का दस्तखत, ना उन लोगों को पढ़ने के लिए देना प्रमाण पत्र, कुछ भी नहीं दिया। जल्दबाजी में जल्दी जल्दी जाकर बोल के ये बोले कि मैं माँ बाप तो गवाही है, माँ बाप के खिलाफ हुआ बोल के माँ बाप को फंसा दिए। अपना ही दस्तखत, अपना ही, और मेरे पति से छुड़ाने के बाद अपना ही आवेदन बनाते थे, अपना ही तलाक करवाए, अपने खुद लेके जाते थे थाने वाले हर जगह में। आरक्षक पति के साथ उसके पारिवारिक लोगों के द्वारा भी दहेज प्रताड़ना को लेकर महिला के साथ दुर्व्यवहार करते रहे। फिर एक दिन अचानक आरक्षक पति द्वारा महिला को किराए के घर से भी बेदखल कर दिया गया। शादी आर्य समाज में हुआ, उसके बाद फिर मुंगेली आकर ठाकुरदेव मंदिर, यहीं तमोली के यहाँ रहती थी किराए में, वहाँ रह रही थी, वहाँ 1 साल रही। वहाँ रहने के बाद ये मतलब बोले, फिर परेशान करने लगा, इसके भाई घर वाले लोग, इसके भाई बहू, इसकी माँ है, इसके पापा है, इसके घर परिवार के लोग सब लोग परेशान करने लगे। बात के लिए परेशान करने लगे कि बच्चे नहीं हैं, ये दूसरे के बच्चे को लेकर आए, दूसरे की पत्नी है, हम लोग इसको नहीं मानते। और फिर हम लोग शादी करते तो दहेज आते, और ये ऐसे भगा कर लाए तो कुछ भी तो नहीं है, क्या इसका वो है, मतलब इसको छोड़ दो। वो लोग परेशान करने लगे, यहाँ आते थे तो पैसा मांगना शुरू कर दिए, हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है बोल के घर वाले लोग इसको परेशान करने लगे और ये मुझे परेशान करने लगा। महिला ने इस संबंध में पति के खिलाफ कोतवाली में कई बार शिकायत की, परंतु किसी ने नहीं सुना। इसके बाद उन्होंने बिलासपुर कलेक्टर, बिलासपुर SP और फिर मुंगेली कलेक्टर और SP कार्यालय में भी आवेदन प्रस्तुत किया, परंतु किसी भी प्रकार की न्यायिक कार्रवाई नहीं की गई। मैं थाने भी आई थी, SP ऑफिस भी गई थी, DSP ऑफिस भी गई थी, महिला सेल भी गई थी, महिला थाना भी गई थी, कलेक्टर के यहाँ भी गई थी, लेकिन कहाँ कोई कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। दूसरे लोग होते तो भैया थाना में जाकर ये लोग बोल रहे हैं कि रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा है, क्यों नहीं किए, तो ये पहले से डरा दिए थे कि मैं पुलिस वाला हूँ, आप लोग कहीं जाओ, वहाँ तो मेरा दोस्त यार है, वहाँ मेरा पहचान है, जाओ आप लोग क्या करना है,
पैसे दे दूंगी, जाओ क्या करोगे, बोल के हम लोगों को डरा दिया। थक हार कर महिला ने आत्महत्या की बात करते सड़क पर बैठी हुई थी, तभी सामाजिक प्रयास से थाना में 155 का मामला दायर कर महिला को कोर्ट जाने के लिए कह दिया गया। आपको बता दें कि महिला बिलासपुर जिले के पाली बुटेना गाँव की रहने वाली है, जिसके गाँव का ही एक युवक उसे पसंद करता था और इसी बात से नाराज होकर महिला के पिता ने महिला की शादी अल्पायु में ही किसी दूसरे व्यक्ति से कर दी, परंतु मोहब्बत की काली पट्टी बांधे युवक ने शादी के बाद भी युवती व उसके पति को परेशान करता रहा और अचानक एक रात 1 बजे युवती को उसके पति के घर से उसके छोटे बच्चे के साथ बंधक बनाकर पुलिस वाले ने मुंगेली ले आया और यहाँ 1 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। 34 दिन रहने के बाद ये रात को 1 बजे गए वहाँ। रात को 1 बजे जाने के बाद ये बोले कि आप निकलो घर से। कहाँ बोल के, मेरे पति उस दिन हम लोगों के मोहल्ले में चोरी हुआ था मेरा ही घर से 2-3 दिन पहले। तो हम लोग उस दिन, मेरे पति मतलब उस दिन कुछ बना था, हम लोग घर में शराब पिए बगैर तो मेरे पति नहीं सोते थे, उस दिन वो सो गए थे। रात को 1 बजे ये गए, उसके बाद ज़बरदस्ती मेरे घर में जाकर तो ये मुझे और मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती हाथ पकड़ कर लाए, चलो आप नहीं जाओगे तो मैं यहीं सोए रहेंगे, सबको आग लगा दूंगी, मार दूंगी, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। बात फैलने के डर से आर्य समाज में उसने शादी भी कर ली, परंतु उसके बाद महिला की स्थिति और भी दयनीय हो गई। मकान मालिक को, तो मकान मालिक से बोले जाके तो क्यों आप मेरे को घर से निकाले, मेरे पति नहीं थे उसके बाद भी। तो मकान मालिक बोले कि मुझे पुलिस वाले लोग बोले थे घर में उसको मत आने देना, तो ये मतलब पुलिस वाले लोग कौन काहे बोले उसको घर में मत रहने देना बोल के, बताओ ना भैया मैं रात को कहां जाती, रात को मुझे घर से निकाले हैं वहां से। पुलिस वाला महिला के साथ आए दिन मारपीट करने लगा। महिला ने इसकी शिकायत एसपी कलेक्टर से भी की, परंतु कोई मदद नहीं मिलने से हताश महिला दर-दर की ठोकरें खाते नजर आ रही है। यहां मेरे पति पुलिस वाले हैं भैया, स्टाफ पुलिस स्टाफ में यहीं कोतवाली में, और वो पंकज निर्णय जो उसका नाम है, और मैं शादी होकर और चली गई वहां से, डरा धमका के मारपीट करके वहां से लाए शादी करके भगा के, और 2 साल से मतलब मेरे साथ जबरदस्ती करके वो कर रहे थे, उसके बाद फिर शादी की और उसके बाद फिर इतना परेशान करके रखे है कि कोई सुन ही नहीं रहा। मैं थाना एसपी से डीएसपी ऑफिस थाना हर जगह से आ गई, महिला थाना हर जगह से कोई सुन ही नहीं रहे, और मैं बिलासपुर गई उस दिन अपने भाई के देहांत हो गए तो वहाँ गई, तो वहाँ जाते तक ताला तोड़ के सामान वामान लेके सब गायब है, और मैं कहाँ जाऊँ, और मेरे बच्चे हैं, मतलब मैं चाहती हूँ भैया कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर जाओ, तो घर से सारा सामान लेकर गया है, मेरे खाने पीने पहने रहने का कोई भी वो नहीं है, मेरे बच्चे का मैं कहाँ जाऊँ, मेरे जाने को वही नहीं है, वो सब चीज़ मुझे चाहिए भैया। बहरहाल कोतवाली प्रभारी की मदद से महिला को कोर्ट जाने का रास्ता बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJ रमझाझर में। हमारा पता है सुर्रीघाट बाईपास रोड पड़ाव चौक मुंगेली।